दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जेक्वेरी स्लाइडिंग इफेक्ट्स के बारे में कि ये जो स्लाइडिंग इफेक्ट है किस तरीके से हम अपने एचटीएमएल कंटेंट के ऊपर लगा सकते हैं, भले वो पैराग्राफ हो, इमेज हो या फिर डिव हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जिसके ऊपर हम यहाँ पे स्लाइडिंग का इफेक्ट अभी हम लगाएंगे। देखेंगे कि ये किस तरीके से यहाँ पे जो स्लाइड अप इवेंट है या फिर जो स्लाइड अप यहाँ पे डाउन जो मेथड है जेक्वेरी के, ये किस तरीके से हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन मेथड के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली जो स्लाइड अप और स्लाइड डाउन जो इवेंट है या जो मेथड है, एक तरीके से ये हाइड एंड शो का ही इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइडिंग वाली इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। अभी तक क्या हो रहा था कि जब आप हाइड या फिर शो जब आप कर रहे थे या फिर फेड इन और फेड आउट कर रहे थे, तो आपका जो कंटेंट था वो वहीं पे आपका शो हो रहा था या फिर डिसअपियर होता था टाइम के अकॉर्डिंग। मीन्स अगर फेड इन फेड आउट हम करते थे तो ओपेसिटी वहां पे डाउन होती थी या इंक्रीज होती थी, ऐसे ही हाइड और शो के केस में वो तुरंत के तुरंत वहां से गायब होता था या फिर शो होता था। लेकिन यहाँ पे स्लाइड अप और स्लाइड डाउन के केस में ये एक अच्छी तरीके से यहाँ पे इसकी हाइट पे यहाँ पे काम होता है, यानी कि एक हाइट वहां पे धीरे धीरे इंक्रीज होगी अगर आप उसको स्लाइड डाउन करते हैं तो, और जब आप स्लाइड अप करते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी हाइट जो होगी वो कम होगी और धीरे धीरे उसकी हाइट जीरो होने की वजह से वो पूरा पूरा कंटेंट हमारा गायब हो जाएगा। तो एक बार और आप सुन लीजिए कि जब आप यहाँ पे स्लाइड अप जो इवेंट है अगर उसको आप फायर करेंगे तो जो कंटेंट के ऊपर आपने लगाया हुआ है उसकी क्या होगी, हाइट कम होगी और वो धीरे धीरे जीरो हो जाएगी, और जीरो होने की वजह से वो क्या होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा। ऐसे ही जब आप स्लाइड डाउन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा कंटेंट है उसकी जो हाइट होगी वो जीरो से शुरू होगी और धीरे धीरे आगे इंक्रीज होगी जितनी तक उसकी डिफॉल्ट साइज है वहां तक इंक्रीज होगी और हमारा कंटेंट फुल्ली यहाँ पे लोडेड हो जाएगा यानी कि शो हो जाएगा। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे जो हमारा स्लाइड अप या फिर स्लाइड डाउन इवेंट है ये किस तरीके से हमारा काम करता है। तो स्लाइड अप जो इवेंट होता है एक तरीके से ये हाइड करने का काम करता है, और जो स्लाइड डाउन इवेंट होता है ये एक तरीके से शो कराने का काम करता है। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में देखा था फेड इन और फेड आउट इफेक्ट के बारे में, तो हम यहाँ पे इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे जो हमारा स्लाइड अप और स्लाइड डाउन इवेंट है उसको। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि ये हमारा हमेशा की तरह दो पैराग्राफ है और इस पे हम कर देते हैं यहाँ पे, अब हम इस जेक्वेरी को, ये जो फाइल है अभी इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये एडिटिंग होगी तो इसलिए इस वीडियो के अंदर तो मैं इसको नहीं चेंज कर पाया, अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आप सीडीएन के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये फाइल जो है ये डाउनलोडेड है मेरे सिस्टम के अंदर, इसलिए मैंने इसको सोर्स के अंदर लिंक दे दिया, यानी कि सेम फाइल जो हमारी ये डेमो डॉट एच टी एम एल की फाइल है साथ ही हमारी जेक्वेरी की फाइल भी उसी फोल्डर के अंदर है, इसलिए डायरेक्ट इसका नेम हमने दे दिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो सीडीएन की लिंक होती है ये किस तरीके से काम करती है। तो ये हमारा सिंपल दो पैराग्राफ है, इसी के ऊपर हम स्लाइड अप या फिर स्लाइड डाउन का जो मेथड है इसको हम फायर करेंगे और चेक करेंगे कि ये किस तरीके से हमारी स्लाइडिंग इफेक्ट देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पे बटन के जो नेम है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं इसको कर देता हूँ स्लाइड अप और इसको कर देता हूँ स्लाइड डाउन, ये दोनों को मैंने यहाँ पे कर दिया स्लाइड अप और स्लाइड डाउन। सेम है इसके मैं नेम भी वैसे ही कर देता हूँ ताकि जो नेम होता है वो मीनिंगफुल रखना चाहिए ताकि आपको भी याद रहे कि ये किस चीज के लिए ये बटन लगा हुआ है। तो जैसा इसका काम है उसी हिसाब से आप इसका नेम भी देंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी इसको इम्प्लीमेंट करने में, या फिर कोई भी अगर आप डिबग करना चाहते हैं तो भी आपके लिए सही हो जाएगा। बाकी ये जो टॉगल का बटन है इसकी इफेक्ट के बारे में अभी हम बाद में देखेंगे, तो फिलहाल अभी हम सिर्फ दो बटन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि पहले जो हमारा ये बटन है स्लाइड अप, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका यूआई, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं स्लाइड अप पैराग्राफ और स्लाइड डाउन पैराग्राफ। तो जो स्लाइड अप यहाँ पे पैराग्राफ है तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो हमारा पूरा ये जो कंटेंट है ये हाइड हो जाएगा यानी कि स्लाइड अप हो जाएगा। इसके नेम से भी आप देख सकते हैं कि इसकी मीनिंग आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि जैसे आप स्लाइड अप पे क्लिक करेंगे मतलब स्लाइड अप ये ऊपर की साइड में स्लाइड होगा यानी कि इसकी हाइट कम होगी, जीरो हो जाएगी और ये कंटेंट हमारा गायब हो जाएगा। ऐसे स्लाइड डाउन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा कंटेंट है उसकी हाइट धीरे धीरे इंक्रीज होगी और वो अपने डिफॉल्ट हाइट तक पहुंचेगी और हमारा कंटेंट जो है वो पूरी तरीके से लोड हो जाएगा और हमें शो होने लगेगा। तो चलिए हम इसकी जेक्वेरी की जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको भी कर देते हैं। तो हमारा जो स्लाइड अप बटन है इसका क्लिक इवेंट हम फायर करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमने डॉट इसलिए लगाया क्योंकि ये क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास के ऊपर जैसे ही यानी कि इस बटन के ऊपर जैसे भी कोई क्लिक इवेंट फायर होता है तो हम यहाँ पे स्लाइड जो अप इवेंट है उसको कॉल कराएंगे। तो
तो स्लाइड अप इवेंट आप सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है स्लाइड एंड उसके बाद से अप। स्लाइड अप आपने यहाँ पे कॉल किया, और ये स्लो फास्ट का भी हम कंसेप्ट इसको हटा देते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों लगाया मैंने। ठीक है, स्लाइड अप, और जैसे ही ये जो स्लाइड डाउन वाली जो बटन है अगर ये क्लिक होती है, और ये क्लास है तो इसीलिए हम इसको डॉट लगा के और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, स्लाइड डाउन, इसका जब क्लिक इवेंट फायर होगा तो हम इसको क्या करेंगे, स्लाइड डाउन करेंगे, स्लाइड डाउन इवेंट को कॉल करेंगे। बाकी जो तीसरा है टॉगल वाला वो अभी हम देखने वाले हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले जो स्लाइड अप का, जैसे स्लाइड अप पे क्लिक होगा तो ये हमारा जो क्लिक इवेंट है ये फायर होगा, और स्लाइड डाउन के केस में ये हमारा फायर होगा। तो स्लाइड अप मतलब वो कंटेंट हमारा ऊपर की साइड में चला जाएगा, यानी कि हाइट कम हो जाएगी। स्लाइड अप मतलब हाइट कम, डेटा वहां से गायब, और स्लाइड डाउन के केस में हमारी हाइट इंक्रीज होगी, जो हाइट है वो इंक्रीज होगी और हमारा जो डेटा है वो पूरी तरीके से शो होने लगेगा। तो हमने यहाँ पे इवेंट लगा दिया, चलिए इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ये स्लाइड अप पे, तो देखिए आप कैसे ये हमारी हाइट कम हुई और गायब हो गया। ऐसे स्लाइड डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारी हाइट यहाँ पे इंक्रीज हुई और हमारा डेटा यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अगर आप इनकी स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, अभी देखिए हमारा आया तुरंत वो हाइट बढ़ी और वहां पे शो हो गया, ऐसे तुरंत हाइट कम हुई तो वो हमारा कंटेंट गायब हो गया। तो हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्लो फास्ट इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं दोनों को यहाँ पे स्लो कर देता हूँ ताकि हमें क्लियरली दिखाई दे कि क्या हो रहा है, सेव करके वापस रिफ्रेश करते हैं और स्लाइड अप पे क्लिक करते हैं। तो देखिए थोड़े टाइम यहाँ पे धीरे धीरे हमारा कंटेंट जो है हाइड हुआ, ऐसे ही स्लाइड डाउन हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारा कंटेंट यहाँ पे पूरी तरीके से शो हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे टाइमिंग भी दे सकते हैं, स्लो फास्ट की जगह पे आप यहाँ पे मिली सेकेंड के अंदर टाइमिंग दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2000 मैंने मिली सेकेंड दिया है, ऐसे ही आप यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड इसको भी दे दें, या फिर जितने भी आप देना चाहें, जितनी आपको वहाँ पे कंटेंट लोड करवाने में टाइम चाहिए उतना आप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने दिया और इस पे क्लिक करते हैं तो ये 2000 मिली सेकेंड तक ये टाइम लिया पूरा स्लाइड अप होने में, ऐसे ही ये 2000 मिली सेकेंड ये स्लाइड डाउन होने में पूरा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो स्लाइड अप और स्लाइड डाउन का जो इवेंट था ये हमारा काम कर गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि एक ही बटन पे हमारा स्लाइड अप हो या फिर स्लाइड डाउन हो, वो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है टॉगल का। तो टॉगल क्या करता है कि जब हम पहली बार उस पे क्लिक करते हैं तो वो पहली बार हमारा स्लाइड अप करेगा, फिर उसके बाद से वो स्लाइड डाउन करेगा। तो टॉगल का यही काम होता है कि वो अल्टरनेट काम करता है कि पहली बार में वो स्लाइड अप, दूसरी बार में स्लाइड डाउन। ठीक है, तो हम इसको लगाते हैं यहाँ पे, तो हमने इसको दिया टॉगल बटन और यहाँ पे हम कर देते हैं, इसका नाम चेंज कर देता हूँ स्लाइड टॉगल। ठीक है, स्लाइड टॉगल या आप कुछ भी आप नेम दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो ये स्लाइड अप का इवेंट है, हमने यहाँ से क्लास इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, और क्लास होने की वजह से हमने यहाँ पे डॉट लगाया, और इसके क्लिक इवेंट पे हम क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ को पिक किया, यानी कि ये जो हमारे पैराग्राफ है इनको हमने पिक किया और इसको हम टॉगल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लाइड और उसको हम कर देंगे टॉगल, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, स्लाइड टॉगल, अभी होगा क्या कि जैसे हम स्लाइड टॉगल पैराग्राफ पे, यहाँ पे पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो जिसमें इस पे क्लिक करूंगा तो पहली बार में ये स्लाइड अप हो गया, फिर जब हम क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड डाउन हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप यहाँ पे वैल्यू या फिर स्लो या फास्ट दे सकते हैं, या फिर वेरी फास्ट वेरी स्लो दे सकते हैं, या फिर आप मिली सेकेंड के अंदर इसको टाइमिंग दे के भी आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्लाइड अप और स्लाइड डाउन का जो मेथड है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।